दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 के प्री के एग्जाम में भयंकर चीटिंग हुई है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। जितनी भी पिक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, जैसे कि सुमन की ये चीटिंग वाली पिक, मैक्सिमम चैनल्स ने इन पिक्स को फेक बता दिया। बहुत से बच्चों ने कहा कि हमारा तो फोटो और सिग्नेचर आया ही नहीं जब हमने ये पेपर दिया था, इसलिए ये जो पिक है ये फेक है। नहीं दोस्तों, ये फेक पिक नहीं थी, ये ओरिजिनल पिक ही थी, ये जेन्युइन पिक ही थी, और एसएससी सीजीएल 2017 के प्री के एग्जाम में भयंकर चीटिंग हुई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, उसकी जो थर्ड शिफ्ट हुई थी, 16 अगस्त की थर्ड शिफ्ट जो हुई थी एसएससी सीजीएल 2017 टियर 1 एग्जाम की, वो पेपर लीक कंफर्म हो गया है और सीफी ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। दोस्तों अगर आप यहां देखें तो यहां लिखा हुआ है कि फील्ड इंजीनियर सीफी टेक्नोलॉजी प्रमोद कुमार रावत ने सोमवार को मामला दर्ज करवाया है पेपर लीक का। दोस्तों नीचे पूरी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे पिक्स खींची है पहले और उसके बाद खींचने के बाद सेंड करी है और वहां से रिप्लाई आया है और फिर जो है पूरा का पूरा पेपर ऐसे सॉल्व कराया गया है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 16 अगस्त थर्ड शिफ्ट की बात नहीं है, ये तो जो केस दर्ज हुआ है ये 16 अगस्त थर्ड शिफ्ट का हुआ है। जो एसएससी ने माना है, सीफी ने माना है, वो 16 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है ये माना है, लेकिन इसके अलावा ऐसी बहुत सी शिफ्ट्स हैं जिनमें सेम तरीका अपनाया गया है या रिमोट एक्सेस के द्वारा चीटिंग हुई है। दोस्तों ऐसी जितनी भी शिफ्ट्स हैं उनकी डिटेल्स भी एसएससी को दी गई है। अब देखना यह है कि एसएससी पूरा पेपर कैंसिल करता है या इन शिफ्ट्स जिनमें चीटिंग सामने आई है वो री एग्जाम करवाता है उन शिफ्ट्स का। दोस्तों मेरा ओपिनियन यही है कि अभी एसएससी पूरा एग्जाम तो कैंसिल करेगा नहीं, एसएससी सीजीएल 2017 टियर 1 का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जिन शिफ्ट्स में चीटिंग हुई है मैक्सिमम चांसेस है कि उन शिफ्ट्स का री एग्जाम होगा। इसके अलावा दोस्तों काफी मेल्स मेरे पास ये आए कि इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या क्वालिफाइंग हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन तो किसी भी हाल में नहीं होगा, क्वालिफाइंग हो जाए ये पेपर इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी सीजीएल 2017 के टियर 1 का जो एग्जाम है उसमें 50% चांसेस हैं कि आपका जो ये पेपर है वो क्वालिफाइंग होगा, और अगले साल 99% चांसेस हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो प्री का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग होगा। दोस्तों एसएससी ने फाइल डीओपीटी में ऑलरेडी भेजी हुई है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन निकल के नहीं आया है, और जो ये फाइल थी वो एसएससी ने मार्च में ही भेज दी थी। बाकी अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि 16 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया था वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका री एग्जाम हो सकता है। ख्याल रखिए दोस्तों, गॉड ब्लेस।